इतना चलेगा? इतना ठीक है? सुनो ना। एक काम करूं मैं? हाँ करूंगा। तुम ना सुना लो। शेरवानी ले लिया आपने? आज ही लाया हूँ। मुझे फोटो भेजो ना। नहीं, अब सीधे शादी के दिन ही देख लेना। प्लीज भेजो ना। ओ नो नो। ठीक है, मैं भी अपने लहंगे की पिकनी भेजने वाली हूँ आपको। तो मैंने कब मान ली? हाउ मीन? अरे यार, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी यार। फोन रखो, चलो मैं बात नहीं करने वाली। क्या हुआ, नाराज क्यों हो रही है? मैं कहाँ नाराज हो रही हूँ, मैं तो ऐसे छेड़ रही हूँ बस। तू भी पागल है, उठा ले फोन, बात कर ले, क्यों बेचारे को परेशान कर रही है? थोड़ा तो परेशान होने देना, कर लूंगी ना बाद में। तो चले पानी पूरी खाने। ओ हेलो, पहले ब्लाउज सिलाने हैं? अरे हाँ, वो जरूरी है। किशोर भैया कहाँ पर है? है ना मैडम, आइए सर, आपको बुला रहे हैं। किशोर भैया, रोज रोज मैं यहाँ पे आके बैठो आपके दुकान पे, मुझे कुछ काम नहीं है क्या? अरे क्या हो गया भाभी जी? क्या हुआ? ए लीजिए, कुर्ती की सिलाई फिर से निकल गई है। इस बार ऐसा काम कर दूंगा कि पूरी कुर्ती फट जाएगी लेकिन सिलाई नहीं खुलेगी। बैठिए ना। बेटा राजू, अगली दुकान से भाभी के लिए कड़क चाय लेके आ जा। सर अगली दुकान से क्यों, इसी दुकान से ले आता हूँ। साढ़े तेरे को जितना बोल रहा हूँ उतना ही कर, अगली वाली दुकान की ही कड़क चाय भाभी को अच्छी लगती है ना भाभी? हाँ, मुझे वही वाली अच्छी लगती है। अरे भाभी जी, मैं चाहता हूँ कि रोज इस तरह से आपकी कुर्ती फटते रहे और आप रोज मेरे पास आते रहो। हाँ, कोई आएगा तो नहीं? अरे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे मैं और तुम और ये तन्हाई। किशोर भैया है क्या? किशोर भैया, तुम तो कह रहे थे कोई नहीं आएगा। दो मिनट, मैं अभी भला क्या था। अरे दीदी, आज कैसे आना हुआ? भैया मैं तो दो दिन पहले भी आई थी आपके यहाँ पे, आप थे ही नहीं शॉप पे। अब वो जरा बाहर गया था ना, इसलिए। बोलिए ना। बोलना क्या है, शादी है इसकी, ब्लाउज सिल दो। हाँ भैया, आप ना जल्दी से ना मेरा नाप ले लीजिए और ना सारे ब्लाउज ना सिल के दे दी। वो दीदी कहना की आज थोड़ा बिजी हूँ, एक काम करता हूँ कल सुबह सुबह आपके घर पे आके नाप ले लेता हूँ। भैया बहुत लेट हो जाएगा तब तक। अरे ऐसे कैसे लेट हो जाएगा, बनाना मुझे है ना, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल टाइम पे हो जाएगा। भैया टाइम पे आ जाना। अरे पक्का। चल फिर। भैया पक्का आ जाना कल सुबह। अरे पक्का।
अब मुझे सच में टेंशन हो रही है। शादी को अब दिन ही कितने बचे हैं, एक तो पहले से ही लेट है यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं, हो जाएगा बराबर, तो टेंशन मत ले। ठीक है। किशोर, ओए, अबे साले रवि, यहाँ तो क्या कर रहा है? अरे मेरी छोड़, तू दुकान छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? वैसे तो तेरे पास टाइम नहीं होता मिलने के लिए। अरे यहाँ भी काम से ही आया हूँ, एक लड़की की ब्लाउज के माप लेने आया हूँ। कहीं गोरी सी तो नहीं है वो? हाँ गोरी सी है बेटा, फिर तो वही है। कौन है वो? अबेस साले, बहुत चालू चीज है वो। मैंने तो सुना है पूरी रात रात लड़कों के साथ घूमती अकेली। ये भी सुना है कि एक नहीं बल्कि बहुत लड़कों के साथ चक्कर है उसका। अच्छा, और सीधा फ्लैट पे बुला लेती वो तो। हाँ खैर, मेरा क्या काम है यार, मुझे तो जाना है, माप लेना है, मेरा काम खत्म। हाँ वो भी सही है, तू क्या कर सकता है। मैं तो बस तुझे बता रहा था, हाथ मत फिर लेना उस पर, क्योंकि वो मना भी नहीं करती है। अबे तो क्या बकवास करता है, क्योंकि वो कुछ बोलेगी भी नहीं। अरे फिर, अरे ठीक है ठीक है, सुन मैं तुमको शाम को मिलता हूँ, फिर अपन बात करते हैं। अच्छा ठीक है, ओके भाई। अरे आ गए भैया जी। हाँ आइए बैठिए, आप बैठो थोड़ा, मैं आती हूँ जी। हाँ बोल। साले बहुत चालू चीज है वो, मैंने तो सुना है रात रात लड़कों के साथ घूमती अकेली। ये भी सुना है कि एक नहीं बल्कि बहुत लड़कों के साथ चक्कर है उसका, और सीधा फ्लैट पे बुला लेती है वो तो। वो तो हम कल जाएंगे ना वहाँ पे, पहले ही बोला था ना। अरे भैया आप बैठे नहीं, बैठो ना जी, बैठो बैठो। अच्छा हाँ रुक, मैं तुझे थोड़ी देर में कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक। और भैया कुछ लेंगे क्या, चाय पानी? जी नहीं थैंक यू, नाप ले ले। अरे भैया नाप तो आप ले लो, सच्ची में मैं पहले से बहुत लेट हूँ। जी 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 जी। काम करे, स्लीवलेस कर दे। अरे क्या, अरे बहुत चलता है स्लीवलेस। भैया काम करो ना, करो ज्यादा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। भैया जो बोल रहे हो वो करो, बस इतना ही चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा इतना है, ठीक ठीक। क्या रहा भैया, थोड़ा लूज करो। Thank you.
इतना ठीक है? अच्छा सुनो ना, सुनो ना, अच्छा सुनो ना, सुनो ना, एक काम करूंगी। हाँ करूंगा। तुम ना शाम को आओ, वो क्या है ना, अभी मेरी ना फ्रेंड आने वाली है, समझो ना प्लीज, समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ। शाम को पक्का ना? बिल्कुल पक्का। शाम को? शाम को। अभी ना, अभी तुम जाओ। भाई एकदम सही बोल रहा था तू। मैंने जैसे उसके कमर में हाथ डाला, साला खुद को अलग नहीं कर पाई मुझसे, वो तो मुझसे उसी समय लिपट जाता। लेकिन क्या है ना, उसकी फ्रेंड घर पे आने वाली थी और बीच में आ जाती तो मजा नहीं आता ना यार। मैंने क्या बोला था, साला अपनी इन्फॉर्मेशन एकदम सही होती है। हाँ भाई वो तो है। अच्छा सुनना, मैं क्या बोलता हूँ, तेरा काम हो जावे ना तो भाई थोड़ी अपनी भी दोस्ती करा देना उससे, मैं भी जरा मजा ले लूंगा उससे ना। अरे हाँ हाँ करवा दूंगा, पहले मैं तो कर लूं, और वैसे भी साला आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो मैं समझ सकता हूँ। अच्छा सुन, मुझे जाना है, मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अरे आ गए भैया, आ जाओ अंदर आ जाओ। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। आप क्यों भैया बोल रही हो? तो क्या बोलूं? अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, क्या कर रहे हो? अरे अरे कर क्या रहे हो तुम? अरे तुमने तो कहा था शाम को आने के लिए। हाँ तो मैंने तो ब्लाउज का नाप लेने के लिए बुलाया था ना। सब समझ रही हो लेकिन बदल क्यों रही हो? हाँ पागल हो गए हो तुम, छोड़ो मुझे। ए सबको भागती हो और मुझे डांटती हो, मेरे अंदर काटा लगा हुआ है क्या? क्या बकवास कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो छोड़ो मुझे। ए ज्यादा फतेह साबित बनने की कोशिश नहीं करो, बस सब समझ रहा हूँ। कितने कितने लड़कों के साथ तुम्हारा चक्कर है, कितने कितने लड़कों के साथ रात रात भर तुम घूमते रहती हो, और अगर इस भीड़ में मैं शामिल हो जाऊं तो तेरा क्या जाता है, तो तेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है? इंस्पेक्टर सूर्या, सर मैं नाप ले रहा था। साले ये तो नाप ले रहा था, ये लड़की की इज्जत के साथ खेल रहा था। नहीं सर मैं नाप ले आया था। जब तू सुबह आया था ना तभी मैं तेरी नियत को पहचान गई थी, और कोई भी लड़की सामने वाले की नजर को देख के पहचान लेती है कि वो किस नजर से देख रहा है, और तूने तो मुझे अपने गंदे हाथों से टच किया। लेकिन सुबह मैं तेरा सामना नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं अकेली थी, इसलिए मैंने अपने अंकल को बुलाया और तुझे रंगे हाथ पकड़ा। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। देख साले तेरी सारी करतूतों को मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है, अब तू जेल में सड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे सर, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। क्या बोल रहा था तू कि मैं रात रात भर लड़कों के साथ घूमती हूँ,
हाँ घूमती हूँ मैं लड़कों के साथ क्योंकि मैं उनके साथ सेफ फील करती हूँ, एकदम सेफ। जब मैं उनके साथ होती हूँ ना तो मुझे लगता है कि कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है, समझा? अब तुम साले, तुम जैसे कुत्तों की वजह से ना लड़कियां बदनाम होती है। लड़कियां किसी के साथ खड़ी होकर बात कर ले तो वो गलत है, लड़की रात को अकेले किसी के साथ घूमे तो वो कैरेक्टरलेस है, किसी के साथ सो सकती है नहीं, इसका मतलब वो उस इंसान पर भरोसा करती है जिसके वो साथ है। और वैसे भी ये लड़की की चॉइस है कि वो किसके साथ घूमे, किसके साथ बात करे, किसके साथ अफेयर करे। साले तुम कौन होते हो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? बेटे अब तो चिंता मत कर, इसको तो मैं देख लूंगा, तेरा नाप लेता हूँ। सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए, सर मुझे माफ कर दीजिए। ज्यादा सत्य साबित बनने की कोशिश नहीं करो, मैं सब समझता हूँ। कितने कितने लड़कों के साथ तुम्हारा चक्कर है, कितने कितने लड़कों के साथ रात रात भर तुम घूमते रहती हो, और अगर इस भीड़ में मैं शामिल हो जाऊं तो तेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है, तेरा क्या जाता है।